ओम ओम श्री परमात्मने नमः। तो आज का प्रश्न है, चित्त की वृत्तियों का स्वरूप। वृत्तियां पंच तैया क्लिष्टा क्लिष्ट प्रमाण विपर विकल्प निद्रा स्मृति। आत्मज्ञानियों ने वृत्तियों को विभिन्न प्रकार से समझाया, लेकिन मूलतः चित्त एक प्लेटफॉर्म है जिस पर अनंत भावनाएं विचार चिंतन तरंगें तैयार होती हैं। जैसे सागर में लहर आती है जाती है और उन लहरों का उद्गम सागर है। यदि सागर को सुखा दें तो लहरों का प्रश्न खत्म हो जाए। वैसे ही चिदाकाश में चित्त में विचारों की भावनाओं की संकल्पों की लहरें चलती रहती हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत ये लहरें चलती हैं, विचारों की संकल्प विकल्पों की, और इन्हीं लहरों के कारण निर्वाण या आत्मज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि चित्त भावनाओं में वेग संवेग में प्रवाहित है, लहरों में प्रवाहित है। तो चित्त में जो वृत्तियां पैदा होती हैं उनको थ्री डायमेंशन में समझाया ज्ञानियों ने। जो वृत्तियां तामसी तमस अंधकार की ओर ले जाती हैं, आसुरी नकारात्मक, वो वृत्तियां ही मूलतः पापपूर्ण हैं, पाप कृत कराने में कारण होती हैं। मनुष्य शरीर और मन से पाप या कुकर्म तभी करेगा जब वो तामसी प्रवृत्तियों से ग्रसित हो, फिर उसमें अहंकार लोभ हिंसा बर्बरता क्रूरता आक्रामकता ज्वलंत हिंसा पाप प्रपंच का निर्माण उसके चित्त में होता है। वो अकारण ही बैर करता है, अकारण ही विरोधी होता है, अकारण ही वो कृपण होता है, दरिद्र। जता दरिद्र विविध तरुपाई बहु संपत्ति मांगत सकुचय। वो महादरिद्र है, तामसी प्रकृति से जघन्य, और उसके जीवन में दरिद्रता यही है कि वो कभी अंधकार से ऊपर उठ ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकाश सत्व उसकी वृत्तियों में नहीं है। दूसरा है डायमेंशन राजसी प्रवृत्तियों का। दूसरे स्टेज की प्रवृत्तियों को निर्माण करने वाला गुण है जिससे मनुष्य की प्रवृत्ति होती है पदार्थ में, धन भोग नारी वासना इंद्री भोग अहंकार अभिमान पद मान प्रतिष्ठा, और इन प्रवृत्तियों से मनुष्य सांसारिक और राजसी और भौतिक भोगों को में आसक्त हो जाता है। इन्हीं राजसी भावनाओं से वृत्तियों से मनुष्य पाप और कुकर्म करता है। पाप का कारण ही रजोगुण है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समद्भव महासनो महापापात्मा। शरीर और मन को पापपूर्ण बनाने में ये दोनों कारण हैं।
यदि हम पाप पूर्ण कृत्य करते हैं तो उसके लिए रजोगुण तमोगुण वो प्रवृत्तियाँ वो भावनाओं का होना जरूरी है चित्त में, तभी कोई पापी होगा। और तीसरा डायमेंशन इससे उन्नत है प्रकृति का, जो निर्मल है वो है सात्विक सत्य प्रधान प्रकृति, परमात्मा प्रकाश निर्मलता ज्ञान के ओर ले जाने वाली प्रकृति। वो प्रकृति होने पर हमारे अंतःकरण में सात्विक वृत्तियाँ धारणा ध्यान समाधि ज्ञान विज्ञान योग अध्यात्म पवित्र भावनाएं पैदा होती हैं, और उन सात्विक वृत्तियों से शरीर और मन पवित्र होता है। पवित्रता का स्वरूप है सत्व, और सत्वगुण के लिए आत्मज्ञानियों ने कहा कि आपका आहार सात्विक हो, आपका चिंतन सात्विक हो, आपका भोजन और आपका अन्न और मन सात्विक हो, पावन हो, तो आपकी प्रवृत्तियां सात्विक होंगी, पवित्रता होगी, जीवन में खुशहाली और आनंद होगा। और जब कोई योगी योग के निरंतर अभ्यास से गुणातीत हो जाता है तब वो परमानंद या परम मुक्ति को उपलब्ध हो जाता है। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाए अमृतस्य वाचस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखे कांतिकस्य च, वो शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाता है, वो महापुरुष परम मुक्ति को उपलब्ध हो जाता है। मोहि मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वास, परम मुक्ति या मोक्ष जीवन को जीते हुए, जीवन को जीते हुए जीवन से मुक्त होना ही परम मुक्ति है, यही मोक्ष का स्वरूप है। निर्वाण शांति, परमात्मा प्राण की अद्वैत अवस्था को कहते हैं, निर्वाण मोक्ष भी उसी अवस्था को कहते हैं। और प्राण जब द्वैत में है, भोक्ता और भोग वासनाओं में फंसा है, तो जीवन में शांति और विश्राम संभव नहीं। आत्मज्ञानी के पास अद्वैत की शांति होती है, परम विश्राम, परम निर्विचार अवस्था या विमुक्त अवस्था। लेकिन इस गुणातीत अवस्था में न चित्त होता है, न चिंतन, न वृत्तियां। लेकिन यदि चित्त प्रकृति में है, गुणों में, वासनाओं में, तो निसंदेह चित्त में भीषण तरंगों की, विचारों की, भावनाओं की आग लगी। अद्वैत समाधि परम शांति जिस योगी को प्राप्त है वो जीवन मुक्त है, लेकिन जो योग और ध्यान से संयुक्त नहीं है, अभी भावनाओं के तल पर जीवन को जी रहा है, उसके जीवन में सुख दुख हर्ष विषाद अनुकूलता प्रतिकूलता होगी। चित्त की वृत्तियां तो अनंत हैं, लेकिन उनके प्रकार दो हैं, दैवी आसुरी। परमात्मा की ओर ले जाने वाली वृत्तियां दैवी, संसार में भटकाने वाली आसुरी। पांच प्रकार से वो काम करती हैं। प्रमाण, यदि परमात्मा है ये प्रमाण मिल गया तो चित्त उसकी ओर घूम जाएगा। पिपर, संसार मिथ्या है, मिथ्या ज्ञान में विद्या से बना है, उसमें उलझे रहना। विकल्प, दृष्टा दृश्य के
धारा मिलने वाली वृत्ति। निद्रा स्मृति, संसार में जो लोग हैं वो वासनाओं में, विकारों में, माया में डूबे हुए लोग हैं, निद्रा में जी रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयम। लेकिन जो जागृत है वो महापुरुष मुक्त है, जिसका चित्त परमात्मा में लगा है वो जागृत है, सत्य की ओर उन्मुख है, बाकी लोग अंधकार में भटके हैं। स्मृति चित्त की वो अवस्था है जहाँ हमारे नित्य के किए गए कर्म इकट्ठे होते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे चित्त में इकट्ठे होते हैं, उसे कहते हैं स्मृति। स्मृति में कर्म संस्कार इकट्ठे होते हैं। अध्यात्म का जो मार्ग है वो मन बुद्धि चित्त अहंकार को मिटाने के लिए, विलय करने के लिए है। विलय हो गया मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो फिर जो बचा वो साक्षी दृष्टा, अद्वैत, परम विश्राम, मतलब चित्त का निष्क्रिय हो जाना। तो चित्त की जो चंचलता है उसको शांत करने का उपाय है ध्यान, एकाग्रता। निरंतर ध्यान और एकाग्रता से चित्त और शरीर पे और इंद्रियों पे नियंत्रण संभव है, और कोई विकल्प नहीं है। अब चित्त में जो चंचलता है वो दुख का ही कारण बनती है, क्योंकि भावनाओं के आवेग में जो मनुष्य निर्णय लेता है और जो कर्म करता है वो सब उसके जीवन में दुखों का निर्माण करते हैं। इसलिए आत्मज्ञानियों ने कहा कि चित्त को निरोध और निरोध चित्त का विलय कर दो ध्यान के द्वारा, निरंतर योग अभ्यास के द्वारा। जब चित्त विलय हो जाएगा तो तुम्हें परम शांति प्राप्त हो जाएगी। तो चित्त की चंचलता हमारा प्रसन्नता और इसकी वृत्तियों के प्रकार पांच हैं, और वो कैसे काम करते हैं, दो डायमेंशन देवी आसुरी, और सबका विलय का उपाय एक परमात्मा की भक्ति और उसका ध्यान, उसका चिंतन, मनन चिंतन निर्ध्यासन, और चित्त का विलय करके परम मुक्ति परम मोक्ष प्राप्त कर लेना। उसी को द्विज निर्वाण अद्वैत कहते हैं। ओम।